अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में एक सिंगल शॉप या वेयरहाउस से दूसरी सिंगल शॉप तक स्टॉक को ट्रांसफ़र करने के तरीके को समझेंगे। सबसे पहले हम हेड ऑफिस सिस्टम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिल्ड एसटीआर, सिंगल शॉप सिंगल डेस्टिनेशन की स्क्रीन को ओपन करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम शॉप के सेक्शन से वो शॉप वेयरहाउस सेलेक्ट करेंगे जहां से स्टॉक को डिस्पैच किया जाएगा, और नीचे टू शॉप के सेक्शन से वो शॉप सेलेक्ट करेंगे जहां स्टॉक को रिसीव किया जाएगा। सोर्स और डेस्टिनेशन शॉप्स सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोडक्ट कोड के सेक्शन से F1 प्रेस करके या फिर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स को नीचे ग्रिड में लोड करें। सोर्स क्वांटिटी के कॉलम में आपको इस प्रोडक्ट की फ्रॉम शॉप सेक्शन में सेलेक्टेड शॉप या वेयरहाउस पर मौजूद टोटल क्वांटिटी नज़र आएगी। एसटीआर क्वांटिटी के कॉलम में आप वो क्वांटिटी एंटर करेंगे जो आप इस प्रोडक्ट की डेस्टिनेशन शॉप पर भिजवाना चाहते हैं, और डेस्टिनेशन क्वांटिटी के कॉलम में आपको डेस्टिनेशन शॉप पर इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी का करंट स्टेटस नज़र आएगा। ग्रिड में प्रोडक्ट को लोड डाटा फ्रॉम फाइल के बटन से टेक्स्ट लोडर फाइल के जरिए भी लोड किया जा सकता है। उसी तरह लोड डाटा फ्रॉम GRN के बटन से प्रोडक्ट को डायरेक्ट GRN से भी ग्रिड में लोड किया जा सकता है। लोड शॉप्स STR रिक्वेस्ट के जरिए प्रोडक्ट लोड करने का फीचर कैंडला एंटरप्राइज में अवेलेबल है। सब्ट्रैक्ट सोर्स अवेटेड STRs क्वांटिटी के चेकबॉक्स को चेक करने से सिस्टम पिछले STR में ऐड की हुई क्वांटिटी को स्टॉक में से माइनस कर देगा, ख्वा वो क्वांटिटी अभी डिस्पैच ना भी हुई हो। अब मूव टू स्टेप 2 के बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पर आप STR को डिस्पैच करने से पहले रिव्यू कर सकते हैं। सोर्स शॉप के सेक्शन में आपको वेयरहाउस लिखा नज़र आ रहा होगा। नीचे मास्टर STR नेम के सेक्शन में आप हर STR को कोई सा भी मुनफरिद नाम देकर सेव कर सकते हैं। पैक क्वांटिटी के बटन को क्लिक करने से ग्रिड में डेस्टिनेशन क्वांटिटी को पैक्स में दाखिल किया जा सकता है, और डिलीट एम्प्टी रोज के बटन से वो रोज ख़त्म हो जाएंगी जहां क्वांटिटी सिफर होगी। अब जनरेट STR का बटन दबाकर इस STR को जनरेट करके सेव कर लें। STR को डिस्पैच वेयरहाउस सिस्टम से और रिसीविंग शॉप के सिस्टम से किया जाता है। हेड ऑफिस सिस्टम से आप STR डिस्पैच एक्टिविटी, शॉप एक्टिविटीज, प्रोसेस STR की स्क्रीन से देख सकते हैं। एडमिन स्क्रीन से आप STR को डिस्पैच से पहले कैंसिल भी कर सकते हैं। अब STR को डिस्पैच करने के लिए हम वेयरहाउस सिस्टम में शॉप एक्टिविटीज, प्रोसेस STR की स्क्रीन को ओपन करेंगे। यहाँ पर ग्रिड में लोडेड STR पर डबल क्लिक करने से STR डिस्पैच रिसीव के टैब पर मूव कर जाएगा। अब एरो का बटन दबाकर डिस्पैच क्वांटिटी और डिस्पैच वैल्यू को ग्रिड में लोड करें। यहाँ पर वेयरहाउस इन प्रोसेस का बटन दबाकर इस STR को इन प्रोसेस स्टेट पर भी रख सकता है और बाद में डिस्पैच कर सकता है। फौरी डिस्पैच के लिए अपडेट का बटन दबाएं और STR को डिस्पैच कर दें। अब STR को रिसीव करने के लिए मुतल्लिका रिसीविंग शॉप के सिस्टम पर शॉप एक्टिविटीज, प्रोसेस STR की स्क्रीन को ओपन करें। अब सबसे पहले रिसीव का रेडियो बटन एक्शन मेन्यू में से सेलेक्ट करें और ग्रिड में STR पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से STR डिस्पैच रिसीव के टैब में ओपन हो जाएगी। अब एरो का बटन दबाकर रिसीव्ड क्वांटिटी और रिसीव्ड वैल्यू के कॉलम्स में वैल्यूज लोड करें। अब यहां पर भी शॉप इन प्रोसेस के बटन से इस STR को इन प्रोसेस रख कर बाद में रिसीव किया जा सकता है। फौरी रिसीविंग के लिए अपडेट का बटन दबाएं और STR शॉप पर रिसीव कर लें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में एक सिंगल शॉप या वेयरहाउस से दूसरी सिंगल शॉप तक स्टॉक को ट्रांसफर करने के तरीके को समझा। कैंडला रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने का शुक्रिया।